गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। कौन क्या है? सिद्धार्थ। क्लियर है? पिता का नाम क्या है? सुदोधन। पिता का नाम क्या है? सुदोधन। और इनके बाल इनका बाल्यकाल का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। कितने ऋषि आए हैं? आठ ऋषि। ये आठों ऋषि क्या करने वाले हैं? भविष्यवाणी करने वाले हैं। ये भविष्यवाणी करेंगे सभी आठ में से सात, आठ में से सात सुदोधन को प्रसन्न करने के लिए ये सात ब्राह्मण गण ये बोलेंगे कि सिद्धार्थ आने वाले समय में एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। सिद्धार्थ का सिर्फ एक ही दिशा है और वो क्या है? चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। इसका सिर्फ एक ही डायरेक्शन है और वो क्या बनेगा? एक चक्रवर्ती क्या बनेगा? ये सम्राट बनेगा। लेकिन उन आठ ब्राह्मणों में एक बहुत ही छोटा सा ब्राह्मण था, एक बालक ब्राह्मण था, और उस बालक ब्राह्मण का नाम था कौंडिन्य। क्या नाम था? कौंडिन्य। तो एक ब्राह्मण जिसका नाम क्या है? कौंडिन्य ब्राह्मण। ये कौंडिन्य ब्राह्मण पूरे सातों के सातों ब्राह्मण को चैलेंज करते हुए बोलता है कि आप सभी का भविष्यवाणी गलत होगा। मैं ये भविष्यवाणी करता हूं कि ये जो सिद्धार्थ है, ये सिद्धार्थ आने वाले समय में बुद्ध बनेगा, सन्यासी बनेगा। क्या बनेगा? सन्यासी। तो जो कौंडिल्य ब्राह्मण है उसने क्या भविष्यवाणी कर दिया कि आने वाले समय में ये क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? सन्यासी बनेंगे। क्या बनेंगे? सन्यासी। तो ये सन्यासी बनेंगे, ये भविष्यवाणी करने वाले कौन थे? कौंडिल्य थे। कौन थे? कौंडिल्य। और ये बात सुनकर कौन परेशान हो जाएंगे? सुदोधन। क्योंकि सुदोधन क्या चाहते थे कि मेरा पुत्र क्या बने? क्या बने? राजा बने। लेकिन एक ब्राह्मण ने यहां पर क्या कर दिया है? भविष्यवाणी कर दिया है कि आपका पुत्र क्या बनेगा? सन्यासी। तभी सुदोधन ये दिमाग लगाए। सुदोधन का यदि लगा कि चलो भाई, सात ब्राह्मण तो बोल रहे हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन एक ब्राह्मण ने बोल दिया कि क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। तो वो रिस्क नहीं लेंगे, वो क्या करेंगे? उनको ये पता था सन्यासी तो वही बनेगा जिसको दुख की प्राप्ति होगी। क्या प्राप्ति होगी? दुख की प्राप्ति होगी। अगर मैं अपने पुत्र को हर प्रकार के सुख प्रदान करूंगा तो कभी भी उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी, और अगर उसको दुख की अनुभूति नहीं होगी मतलब मेरा पुत्र क्या नहीं बनेगा? सन्यासी नहीं बनेगा। इसलिए बचपन से ही हर एक प्रकार का सुख मिलने लगा किनको? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ को बाहर निकलना मना था, उनको अपने पहले से बाहर निकलना क्या था? मना था। क्योंकि सुदोधन को यह मालूम था कि अगर मेरा पुत्र बाहर निकलेगा तो वो क्या मिलेगा? उसको दुखी मिलेगा। इसलिए सुदोधन ने हर एक ऋतु के लिए यहां पर अलग अलग क्या बनाया? महल बनाया। किसके लिए? किसके लिए? सिद्धार्थ के लिए। तो सिद्धार्थ के लिए ग्रीष्म ऋतु के लिए अलग महल बनाया गया, वर्षा ऋतु के लिए अलग महल बनाया गया, और शीत ऋतु के लिए अलग महल बनाया गया, समर सीजन के लिए अलग, रेनी के लिए अलग, और विंटर के लिए अलग। तो यहाँ पर जो सुदोधन है वो सिद्धार्थ के लिए कितने महल का निर्माण करेंगे? तीन, ताकि सिद्धार्थ क्या ना हो, बाहर ना जा पाए। अगर वो बाहर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? दुखी मिलेगा। और वो दुखी होंगे तो क्या बन जाएंगे? सन्यासी। और सन्यासी नहीं बनने देना है कि इनको? सिद्धार्थ को। और ये कौन बनने दे रहा है? सुदोधन। समझ में आ रहा है बात? समझ में आ रहा है बात? क्लियर रहिए, ठीक है? तो मतलब ये पूरे सुख भोग विलास से अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं कौन? 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 सिद्धार्थ। हर एक प्रकार का इनको सुख मिल जाएगा बचपन में ही। किनको? सिद्धार्थ को। इनके पास कितने पैलेस अलग से हैं? तीन पैलेस। कैसे कैसे ऋतु के लिए? ग्रीष्म और वर्षा और शीत ऋतु के लिए। अब बताइए, अभी थोड़े बड़े होंगे, कौन? सिद्धार्थ। लेकिन आपको यह मालूम है सिद्धार्थ की माता का निधन हो चुका था सात दिन के बाद ही जब वो जन्म लिए थे। तो सिद्धार्थ का लालन पोषण करने वाली कौन थी? प्रजावती गौतमी। इसलिए प्रजावती गौतमी को हम गौतम बुद्ध के क्या बोलते हैं? वी माता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी माता। तो सिद्धार्थ की वी माता कौन है? प्रजावती गौतमी। अब होता यह भी है कि प्रजावती गौतमी का विवाह हो जाता है किससे? सुदोधन से। और जब प्रजावती गौतमी का सुदोधन से विवाह होता है तो इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या है? नंद। नाम क्या है? नंद। और एक स्त्री रत्न की भी प्राप्ति होती है जिसका नाम क्या है? नंदा। क्या नाम है? नंदा। तो आप ये देखोगे कि सिद्धार्थ के चचेरे भाई कौन है? चचेरे हैं क्या? नहीं है, सौतेले भाई है। सिद्धार्थ के सौतेले भाई कौन है? नंद। और सिद्धार्थ की सौतेली बहन कौन है? नंदा। ये भी आपको याद रखना है। तो सिद्धार्थ के सौतेले भाई
नंद और सौतेली बहन कौन है? नंदा। और प्रजावती गौतमी क्या है? मौसी, जो हम क्या बोलेंगे इनको? वी माता, क्योंकि प्रजावती गौतमी ही सिद्धार्थ का क्या की? लालन पोषण की। क्लियर है ये? क्लियर है ये? अभी ध्यान देना, होगा ये। अब सिद्धार्थ बड़े होंगे, 16 वर्ष की आयु में पहुंचेंगे। जब वो 16 वर्ष की आयु में पहुंचेंगे तो होगा ये कि रामग्राम में अब राजा अजन नहीं होगा, अब दूसरा कुलीन वर्ग का एक राजा यहां बन गया रहेगा। और उस राजा के भी एक पुत्री थी, उस राजा के भी एक पुत्री थी जिसका नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। तो एक और पुत्री कौन? यशोधरा, राजा अजन की पुत्री ने। ये क्या है? ये वो जगह है जहां गणतंत्र व्यवस्था है। यहां ये जरूरी नहीं है कि वही राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, कोई ना कोई कुलीन वर्ग का ही व्यक्ति ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो अब राजा चेंज हो चुका है, राजा अजन के बदले या एक नया राजा आ चुका है। कहां पर? रामग्राम में। और उस राजा की जो पुत्री थी उसका नाम क्या था? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। अब क्या होगा कि यशोधरा का स्वयंवर होगा। क्या होगा? स्वयंवर। उस स्वयंवर में पहुंचेंगे कौन? सिद्धार्थ। कौन पहुंचेंगे? सिद्धार्थ। कितने वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। तो 16 वर्ष की आयु में एक स्वयंवर होगा, किसका? यशोधरा का। उसी यशोधरा के उस स्वयंवर में कौन पहुंच जाएंगे? सिद्धार्थ पहुंचेंगे। और जैसे ही सिद्धार्थ पहुंचेंगे तो यशोधरा सिद्धार्थ को क्या कर लेंगी? पसंद कर लेंगी। जिसके बाद सिद्धार्थ और यशोधरा का क्या हो जाएगा? विवाह हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ कि गौतम बुद्ध का विवाह कितने उम्र में हुआ है? 16 वर्ष की आयु में। और उनकी पत्नी कौन है? यशोधरा। कौन है? यशोधरा। और वो यशोधरा से बहुत प्रेम करते थे। कौन? सिद्धार्थ। क्लियर ये? क्लियर ये बात? क्लियर है आप लोगों का? एक बार रिकॉल करेंगे, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? बोलना पड़ेगा, कब हुआ है? 563 ईसा पूर्व में। कहां पर हुआ है? लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहां पर है? कपिल वस्तु के पास। इनकी माता का नाम क्या है? मां महामाया। इनके पिता का नाम क्या है? सुदोधन। नाम क्या है? सुदोधन। इनका बाल्यकाल का नाम क्या है? सिद्धार्थ। कितने वर्ष की आयु में विवाह हुआ? 16 वर्ष में। किसे हुआ? यशोधरा से। किसे हुआ? यशोधरा से। क्लियर ये? क्लियर ये? कितने महल? 3 महल। कौन कौन से ऋतु? ग्रीष्म, शीत और वर्षा। और इनकी भी माता कौन? प्रजावती गौतमी। इनके सौतेली भाई कौन? नंद। सौतेली बहन कौन? नंदा। ठीक, ठीक है। कहानी में होता क्या है कि याद हो जाता है चीजें अपने आप, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। पढ़ रही क्या? कभी नहीं पढ़ेगी। अब आगे बढ़ेंगे, 16 वर्ष हो गया, आगे बढ़ेंगे। अब हो गए, ये बड़े हो गए। कौन बड़े हो गए? सिद्धार्थ। अब जब बड़े हो जाते हो तो आपके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती है। जिज्ञासा पैदा ये होती है कि हमको तरह तरह की चीजें देखना पसंद करते हैं, एक जगह कैद रहना पसंद नहीं करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, होगा ये जब ये 20 वर्ष की आयु को क्रॉस करेंगे तब ये अपने अपने रथ चलाने वाले जो सारथी है उनका नाम क्या था? छंदक। नाम क्या था? छंदक। तो छंदक इनके क्या थे? सारथी थे। छंदक कौन है? इनके सारथी है। और जो इनका घोड़ा था उस घोड़े का नाम था कंथक। नाम क्या था? कंथक। तो छंदक कौन? सारथी। घोड़ा क्या? कंथक। छंदक और कंथक। नाम क्या बोलो? छंदक और कंथक। छंदक कौन है? सारथी है। कंथक कौन है? कौन है? घोड़ा। फिर बोलो, हाँ लिख दूं? चलिए ठीक लिखता हूं। चलिए, तो एक नाम क्या है? छंदक। नाम क्या है? छंदक। तो छंदक कौन है? सारथी है। क्यों? क्या है? सारथी। जो चैरियट खींचता है उसको हम क्या बोलते हैं? सारथी बोलते हैं। ठीक है। और एक क्या? एक कौन है? कंथक। एक कौन है? कंथक। और कंथक क्या होना है? इसका घोड़ा है। क्या है? घोड़ा। तो होगा ये, होगा ये, ये छंदक को बोलेंगे कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। छंदक इनको मना करेंगे। छंदक बोलेंगे कि राजा सुदोधन ने मुझे ये परमिशन नहीं दिया है कि आप कहाँ जाओ? बाहर जाओ। लेकिन ये नहीं मानेंगे। कौन नहीं मानेंगे? सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ ये बोलेंगे कि तुम मेरी बातों का खंडन नहीं कर सकते। छंदक तुम मुझको आज ही और अभी कहाँ ले जाओगे? बाहर ले जाओगे। तो छंदक इनको बाहर ले जाता है घोड़े में। नाम कौन सा है? कंथक। कौन सा? कंथक। जैसे ये बाहर जाएंगे, जैसे ये कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो होगा ये बाहर जाते साथ इनको इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। कौन मिलता है? वृद्ध व्यक्ति। तो बाहर जाते साथ
पहाड़ जाते साथ इनको एक वृद्ध व्यक्ति मिलता है। किनको? 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 सिद्धार्थ को। ये कौन है? सिद्धार्थ है। ये क्या है? घोड़ा है, नॉट टू बी कंफ्यूज विथ चूहा। ये क्या है? घोड़ा है। यहां पर कौन है? यहां पर कौन है? चंदक। कौन है? चंदक। तो ये निकले बाहर, जैसे ही बाहर निकले सामने कौन? एक बूढ़ा आदमी। एक कौन है? बूढ़ा आदमी। यहां पर कौन? सिद्धार्थ पूछते हैं किसे? चंदक से। इन्होंने कभी बूढ़ा आदमी नहीं देखा था अपने जीवन में, क्योंकि क्योंकि इनके राजा जो थे ना सुदोधन, उनको ये पता था बूढ़ा आदमी देखेगा तो दुख हो जाएगा, दुखी होगा ये, है ना। बाहर निकला लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि सुदोधन ने ऐसा कुछ बनाया था कि कोई भी बूढ़ा आदमी रोगी आदमी को नहीं दिखता था, रास्ता सारा पूरा साफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहली बार था कि सिद्धार्थ एक बूढ़ा आदमी देखने वाला था। कौन? सिद्धार्थ। तो इनके लिए एलियन हो गया ना, अलग टाइप का आदमी। कौन? बूढ़ा आदमी। तो सिद्धार्थ बोलेंगे किसको? चंदक को। ये कैसा आदमी है भाई, ये अजीब टाइप का दिख रहा है। तो चंदक बोलेंगे कि प्रभु ये कैसा आदमी नहीं है, ये बूढ़ा आदमी है। ये क्या है? बूढ़ा आदमी। ये जरा से ग्रसित है, ये जरा से ग्रसित है, और आने वाले समय में हर एक मनुष्य बूढ़ा होगा। प्रभु आप भी बूढ़ा होगे और आपकी भी स्थिति ऐसी होने वाली है। तो सब बोलेंगे है? मेरी भी स्थिति ऐसी होने वाली है। मतलब इनको क्या मिल गया? दुख मिला। क्या मिला? दुख। तो ये पहली बार था कि सिद्धार्थ को क्या मिला? दुख मिला, जब ये जाने कि आने वाले समय में वो भी जरा से क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। तो पहली बार उन्होंने क्या देखा? एक बूढ़ा आदमी देखा, और बूढ़ा आदमी देखने के बाद वो क्या हो गए? दुखी हो गए, और बोले चलो चंदक वापिस चलते हैं। वापिस चले गए और रात भर परेशान रहे, रात भर परेशान रहे कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, और जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी भी स्थिति कैसे हो जाएगी? उस बूढ़े आदमी जैसे हो जाएगी। अगले दिन फिर सवेरे उठेंगे और बुलाएंगे चंदक इधर आओ। चंदक आएगा, चंदक बाहर जाना है। चंदक मना करेगा, महाराज एक बार आप बाहर गए थे और देखिए आपकी स्थिति क्या है। नहीं मानेंगे, ये बाहर जाएंगे। एक बार जब फिर से बाहर जाएंगे तो फिर से ये उसी बूढ़े आदमी को देखेंगे, लेकिन इस बार ये बूढ़ा आदमी रोगी हो गया रहेगा। ये बिस्तर में पड़ गया रहेगा। कहाँ पड़ा रहेगा? बिस्तर में। खांस रहा होगा। ये बोलेंगे ये क्या है? तो ये बोलेगा कि महाराज ये रोगी है। कौन है? रोगी है। संसार में जो भी जन्म लिया है वो एक ना दिन जरा से पीड़ित होगा, और जो जरा से पीड़ित होगा वो कभी ना कभी क्या होगा? रोगी होगा। तो जिस प्रकार से ये आदमी खांस रहा है, महाराज आने वाले समय भी आप भी क्या करोगे? खांस हो गए। तो महाराज फिर से क्या हो गए? परेशान हो गए और फिर से दुखी हो गए, और बोले चंदक को चलो वापस चलो यार। वापस गए। ठीक है, तो दो सीनरी इनको मिल गया। पहला क्या? बूढ़ा आदमी। दूसरा क्या? रोगी आदमी। दूसरा क्या? एक रोगी आदमी, रात भर परेशान, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, बिस्तर में लेटे रहूंगा और क्या करूंगा? खांसूंगा। सवेरे होगा, सवेरे उठेंगे, फिर बोलेंगे कंतक इधर आओ। कंतक बोले मना कर रहा हूं महाराज, नहीं जाऊंगा। महाराज बोले नहीं, चलना पड़ेगा आपको, चलना पड़ेगा। फिर से कंतक, सॉरी चंदक कंतक के साथ कहाँ जाएंगे? बाहर जाएंगे। तो इस बार चंदक और महाराज जब बाहर आएंगे तो यहाँ पर होगा ये कि भाई साहब का देहांत हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आदमी लोग रहेंगे, यहाँ पर आदमी लोग हैं ना ये, और ये राम राम सती है ऐसा बोलकर निकल लेंगे, है ना। ऐसा मत बोलते ना कि राम राम सती है, बुढ़ा बड़ा मस्त है, ये बात नहीं है। ठीक है, होगा ये कि यहाँ पर जो रोगी है अब लेट गया रहेगा। ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई रहेगी। तो फिर उसके बाद होगा ये कि जब इस सीन को ये देखेंगे, कौन? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ पूछेंगे किसे? कंथक से, सॉरी छंदक से। बोलेंगे कि ठीक बात है, ये आदमी तो सो गया है, तो इसको सोने दो ना, इसको उठा के क्यों ले जा रहे हो, और इसके पीछे ये इतने सारे लोग रो क्यों रहे हैं। तब छंदक बोलता है,
महाराज ये रोगी था, अब ये मर गया, अब ये वापस इस दुनिया में नहीं आएगा। जो व्यक्ति एक बार जन्म लेता है वो व्यक्ति आगे चलकर मृत्यु को प्राप्त करता है। जिस प्रकार से ये व्यक्ति बूढ़ा होकर रोगी होकर मर गया, उसी प्रकार से आप भी बूढ़े होगे, रोगी हो जाओगे और मर जाओगे। तो ये और डर गए, कौन? सिद्धार्थ। अरे ऐसा भी कुछ होता है क्या? बोलेंगे चलो वापस चलो, वापस जाएंगे। और ये परेशान कौन? सिद्धार्थ। क्या परेशान? बूढ़ा हो जाऊंगा, रोगी हो जाऊंगा, मर जाऊंगा और सब क्या करेंगे? रोएंगे मेरे पीछे। रात में परेशान हुए, नहीं सोए, फिर सवेरे उठेंगे, फिर बोलेंगे किसको? छंदक। छंदक बोलेगा महाराज हो गया, अब और नहीं, आओ। ठीक है, फिर छंदक आया, फिर ये बाहर निकले। जब इस बार ये बाहर निकले, तो होगा ये कि एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी बैठा था। एक पेड़ के नीचे एक कौन बैठा था? सन्यासी। ये सन्यासी है, ठीक है। एक पेड़ के नीचे कौन बैठा है? सन्यासी है। और सन्यासी के सामने में बहुत सारे स्टूडेंट थे, जैसे मैं सन्यासी और आप मेरे स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक सन्यासी और यहाँ पर एक क्या? स्टूडेंट। अब आते हैं, देखते हैं किसको? सन्यासी को। जब ये सन्यासी को देखते हैं तो सन्यासी इनको एकदम प्रसन्न लगता है, हंसता खिलता कूदता एक क्या सन्यासी। बोलेगा ये कौन है? तो छंदक इनको बोलेगा महाराज ये एक सन्यासी है, इसको जीवन मरण से कोई लेना देना नहीं, इसको सुख और दुख से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का प्रार्थना कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ये प्रार्थना कर रहा है और उस ज्ञान की ओर जा रहा है, या उस ज्ञान की ओर ये जाना चाहता है जिस ज्ञान के पाने के बाद किसी भी व्यक्ति को दुख की अनुभूति नहीं होगी। ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा किसको? सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ बोले ये कुछ अच्छा बात है यार। अब ये बाहर बोले चलो वापस। अब ये क्या हुआ, 2-3 दिन खाली सोते रहे और सपने में देखते रहे बूढ़ा आदमी, रोगी आदमी, शव और सन्यासी। हमेशा इनको लगा कि सन्यासी बढ़िया है। क्या है बढ़िया है? सन्यासी। उसके बाद ये होता है, उनको ये समझ में आ गया कि संसार में हर क्षण सिर्फ और सिर्फ क्या है? दुख है। अगर कोई बालक जन्म लेता है तो जन्म लेना भी क्या है? दुख है। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है तो जन्म लेते साथ वो बालक रोता है, वो बालक क्या होगा? रोएगा, मतलब वो क्या हो गया? दुखी हो गया। और जब वही बालक बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा, तो मरने के बाद भी उसके पीछे जिसको वो छोड़ जाएगा वो सब क्या करेंगे? रोएंगे। तुम्हारी जीवन की शुरुआत ही होती है कहां से? रोने से। और जीवन का अंत भी कहां से होता है? रोने से। मतलब पूरा जीवन क्या है? दुखमय है। पूरा जीवन क्या है? दुखमय। तो ये सब चीज इनके दिमाग में आता गया। और लेकिन उनको एक चीज अच्छा लगा, कौन? सन्यासी। क्योंकि उनको इस जीवन से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान जो इस पूरे जीवन चक्र से उसको क्या कर दे? मुक्त कर दे। मतलब अर्थात दुख से या दुख का क्या हो जाए? उन्मूलन हो जाए। तो ये सब चीज सोचते रहते थे। अचानक से हुआ ये, अचानक से उन्होंने देखा कि जो उनकी पत्नी है वो गर्भ से हो गई। और जब वो गर्भ से हुई तो उनकी पत्नी को बहुत पीड़ा होता था। तब वो ये समझ में आने लगा कि ये पत्नी भी है ना, ये बंधन है। और बंधन क्या है? दुख है। बंधन क्या है? दुख है। फिर अचानक एक बार वो अपने खंभे में खड़े होकर, अपने पैलेस के खंभे में खड़े होकर सोच रहे थे सन्यासी बोलूंगा। तभी अचानक से उनकी पत्नी, जिनका नाम क्या था? यशोधरा की सहेली आती है दौड़ते हुए और सिद्धार्थ को बोलती है मुबारक हो महाराज, मुबारक हो। महाराज सुनते हैं, बोलते हैं क्या हुआ? मुबारक हो महाराज, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो इनके दिमाग में बैठता है, अरे पत्नी भी तो बंधन है, पुत्र तो मतलब और बंधन। तो उनके मुंह से निकल जाता है, अरे ये तो राहु है। सहेली को सुनाई देता है राहुल है। अब वो चले जाती है किनके पास? यशोधरा के पास। अब वो बोलती है मुबारक हो बहनी, सिद्धार्थ महाराजा ने आपके पुत्र का नाम रख दिया है क्या? राहुल। क्या नाम रख दिया है? राहुल।
तो राहु से क्या बन गया? राहुल बन गया। क्या बन गया? राहुल। तो आप मुझे बताओ, सिद्धार्थ और यशोधरा का जो पुत्र है उसका नाम क्या है? राहुल है। क्या नाम है? राहुल। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? तो इनको यह समझ में आ गया, पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होगी, मतलब और बंधन, और बंधन मतलब क्या? दुख। मतलब क्या? दुख। तो ऐसे ही लंबा समय चलता गया। फिर एक दिन वो डिसाइड किए कि नहीं, हो गया बहुत, मुझे और दुख नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक ही गति की ओर जाऊंगा, और वो मेरा गति क्या होना चाहिए? सन्यासी। वो क्या होना चाहिए? सन्यासी। ये बात ये अपने पिता के सामने रखे, इनके पिता नहीं माने। इनके पिता ये बोले कि तुम्हारे लिए पुत्र ये भविष्यवाणी हुआ है कि तुम क्या बनने वाले हो? चक्रवर्ती सम्राट। तुम एक रक्षक होगे, तुम एक प्रतिहार होगे, तुम जनता का क्या करोगे? रक्षा करोगे। सिद्धार्थ को कोई लेना देना नहीं था किसे? राजा बनने से। होता यह है कि आने वाले समय में इनके पिता कौन? सुदोधन का क्या होता है? मृत्यु हो जाता है। और सिद्धार्थ अपने पिता से बहुत ज्यादा क्या थे? प्रेम करते थे। पिता और पुत्र के बीच में बहुत ज्यादा क्या था? प्रेम था। सिद्धार्थ और ज्यादा क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। और उसके बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं यहां से क्या बनूंगा? सन्यासी बनूंगा। क्या बनूंगा? सन्यासी। तो होगा ये जब सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में पहुंचे। कब पहुंचे? कितने वर्ष की उम्र में? 29 वर्ष की अवस्था। 29 वर्ष की अवस्था में एक रात इन्होंने ये सोच लिया कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनना है? सन्यासी बनना है। तो 29 वर्ष की अवस्था में एक रात्रि में सिद्धार्थ अपनी पत्नी जिनका नाम क्या था? यशोधरा, और उनके पुत्र जिनका नाम क्या था? राहुल। यशोधरा और राहुल को घर में छोड़ते हुए ये बुलाएंगे किनको? छंदक को। और छंदक कौन सा घोड़ा लेके आएगा? कंथक। और उसी दिन ये अपने घर को क्या कर देंगे? त्याग कर देंगे। तो यहां पर क्या होगा? रिनन्सिएशन सेट होगा। तो यहां पर जो सिद्धार्थ है वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करेंगे। 29 वर्ष की अवस्था में क्या करेंगे? गृह त्याग करेंगे। ही रिनन्सिएट हिज होम एट द एज ऑफ 29 टू बिकम अ वॉन्डरिंग एस्केटिक। तो यहां पर क्या करेंगे? रिनन्सिएशन करेंगे। ये रिनाउंस करेंगे। कौन? सिद्धार्थ अपने घर का क्या करेंगे? त्याग करेंगे। और अपने घर का ये त्याग कितने वर्ष की आयु में करेंगे? 29 वर्ष की आयु में करेंगे। तो ही रिनाउंस हिज होम एट द एज ऑफ 29। और इस समय को बौद्ध ग्रंथ में कहा गया है